गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती विद्या मंदिर, कॉमर्स सेक्शन क्लास 12, सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज, चैप्टर नंबर 7, डायरेक्टिंग। इस चैप्टर में आज हम लोग जो डायरेक्टिंग के एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट है लीडरशिप, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने डायरेक्टिंग के सभी एलिमेंट, इट मीन्स कि एज वी नो दैट डायरेक्टिंग इज अ इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ डिफरेंट फंक्शन लाइक मोटिवेशन, सुपरविजन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप एंड डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ दीज फोर फंक्शन, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। ये चारों एलिमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग सबसे पहले सुपरविजन को देखें, उसके बाद मोटिवेशन को देखें, अब हम लोग लीडरशिप को देख रहे हैं। हाउ लीडरशिप कैन बी इफेक्टिव टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल विद एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज वेरी क्लियर। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक और डिस्क्राइब अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप का क्या इंपॉर्टेंस होता है ऑर्गेनाइजेशन में, और किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में ये हेल्पफुल होता है लक्ष्यों को प्राप्त करने में। तो लीडरशिप के बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं, जैसे फर्स्ट, इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ पीपल। लीडरशिप हैज द कैपेबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ पीपल, और इसका भारत में इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रहे हैं, कि महात्मा गांधी ने किस तरह से भारत के आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किया, और किस तरह से उन्होंने लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाए, और कैसे सारे लोग महात्मा गांधी के पीछे चल दिए, उनके फॉलोअर्स हो गए, और आजादी की लड़ाई में उनके कदमों पर चलकर हमने आजादी पाई। तो इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ पीपल, यानी लीडरशिप का ये इम्पोर्टेंस है कि वो अधीनस्थ लोगों के व्यवहार में परिवर्तन ला करके उनसे डिजायर्ड एक्शन और वर्क करवा सकते हैं, हम उन्हें अपने विचारों के अनुरूप उनको ढाल सकते हैं और उनको प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं किसी काम के लिए। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। तो व्हेन देयर इज अ लीडर, देयर मस्ट बी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर इन दैट लीडर, बिकॉज इट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडर। और लीडर का ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है कि ये लोगों के व्यवहार में परिवर्तन करके इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास करता है। लीडरशिप ऑलवेज ट्राई टू गेट इट्स गोल थ्रू द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ पीपल्स टूवर्ड्स देयर एक्टिविटी, टूवर्ड्स देयर गोल। सेकेंड है, प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंस। लीडरशिप जो होते हैं, लीडरशिप का एक और इम्पोर्टेंस ये है, अनदर इम्पोर्टेंट, कि ये खुद तो आत्मविश्वास से भरे ही होते हैं, लीडर ऑलवेज फुल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड ऑल्सो ट्राई टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू ऑल अदर पर्सन्स विद हु वर्क विद इन ऑर्गेनाइजेशन, एंड कॉन्फिडेंस टूवर्ड्स वर्क, कॉन्फिडेंस टूवर्ड्स देयर एबिलिटी, कॉन्फिडेंस टूवर्ड्स देयर their knowledge. So everything going to be filled up by a leader in its followers, and confidence is the one of the most important contribution which is provided by leader in his followers. So confidence से हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, और एक बार अगर लीडर अपने अधीनस्थों में, अपने लोगों के बीच कॉन्फिडेंस भरने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर वे ऑर्गेनाइजेशन के बड़े से बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं। तो लीडरशिप का ये क्वालिटी समझ लीजिए, या इसका एक इम्पोर्टेंस। द अनदर इम्पोर्टेंस इज इंट्रोड्यूस चेंजेस। अगर लीडर सर्वमान्य है, लोग उसे स्वीकार करते हैं, एंड ही इज इन्फ्लुएंसिंग इफेक्टिव एंड एफिशियंट इट्सेल्फ, देन दैट लीडर ऑल्सो एबल टू इंट्रोड्यूस चेंजेस within organization, and people accept those changes without any hesitation and without any dispute. So introduces changes, because a leader take changes towards a new opportunity,
they can able to convince their peoples towards changes, that that changes is for betterment. So that is, as we know that within organization, it is always changes is revolt by organization, because no one organizations जो पीपल्स होते हैं वो नीड चेंजेस, एंड वेन एवर देर इज चेंजेस देर इज सम डिस्प्यूट विद इन ऑर्गेनाइजेशन. बट इफ देर इज ए इफेक्टिव लीडर एंड एफिशियंट लीडर, दैट लीडर कैन बी स्मूथली अप्लाई द चेंजेस विद इन ऑर्गेनाइजेशन विच इज मे बी इन अ बेटरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. दे कैन कन्विंस their subordinates towards changes, that it's going to be facilitate your working culture and working environment. So by various methods, leaders can able to influence its peoples and agree them towards new changes, new technology and new work culture. D, handle conflicts. Whenever there is conflicts between various groups within organization, leader has the quality and importance of leader at that time that they can handle and solve the disputes among groups of peoples. So handle conflicts is one of the most important contribution of leader which they made to contribute towards organization, that they can handle all types of conflicts which is at the top lower level management or within among subordinates groups. So that type of dispute is never assume good for organization, and that type of conflicts should be solved and must be solved. And leadership plays a crucial role to and active role to solve those conflicts. Now the next is provide trainings. A leader is also act as a trainer towards his subordinates. They all a leader always set an example towards work activity, towards behavior and towards organizational activities. So everywhere leader stand as a trainer towards his subordinates, and subordinates also going to be follow that leader, and that is the importance of leadership. So if the importance of leadership so important, then what qualities should be in a leader? So that is the various qualities which we need in a leader, and that is all good qualities. First is physical features, and it means that leader must be that person whose physical appearance was very good, smart and dashing appearance, that people can going to obey him. तो फिजिकल फीचर्स बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत कुपोषित और दुबला पतला हो. उसका एक जो शरीर की बनावट है और डील डॉल है वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, बहुत इन्फ्लुएंसिंग होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए उसे, एंड दैट इज मस्ट बी अफेक्टिव, जिसको आप कहते हैं प्रभावशाली उनका व्यक्तित्व होना चाहिए. दूसरा है नॉलेज. Knowledge is another important criteria which must be in a leader, and with knowledge only can rule other peoples. तो केवल ज्ञान ही वो चीज है जिसके द्वारा हम दूसरे पे शासन कर सकते हैं. तो लीडर, चूंकि लीडर एक रूलर होता है, एक एक वो अपने पीछे लोगों को फॉलो करवाता है, तो उसके लिए उसमें ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है. यानी ए लीडर मस्ट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ नॉलेज, नॉट ओनली अबाउट ओनली ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो अबाउट वर्क एंड मार्केट. Everything going to be knowledge of everything must be in a leader, that a leader can provide suggestion and provide direction towards his employee. Integrity. A leader must be hold some integrity. It means that a leader never show a cheap behavior in front of their subordinates and organization. तो सो इंटीग्रिटी होनी चाहिए. यानी ए लीडर मस्ट बी अ प्योर पर्सन. इनिशिएटिव्स. ए लीडर मस्ट बी इनिशिएटिव, यानी लोगों से जो उसे काम करवाने हैं उसमें वो खुद इनिशिएटिव्स हो. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल
जो होते हैं स्कूल के प्रिंसिपल वर कैटेगराइज और डिफाइन एज अ लीडर ऑफ आवर ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड समटाइम वी यूज टू सी दैट इफ देर इज अ सम piece of paper were in ground and that will pick up by principal. So that is set an example. तो जब वो कागज का टुकड़ा या कोई भी कचरा जब प्रिंसिपल खुद उठाते हैं तो दैट इज एग्जाम्पल सेट एग्जाम्पल वो करते हैं और यही नहीं सेट एग्जाम्पल नहीं करते वो उस कार्य के प्रति इनिशिएट करते हैं. अब उनको देखकर सारे टीचर और बच्चे भी जो भी गंदगी है या कूड़ा है उसको वो ठीक से डस्टबिन में रखेंगे. तो दैट इज इनिशिएटिव. तो जो लीडर होते हैं वो इनिशिएटिव्स होते हैं. वो किसी कार्य को करने में खुद पहले एग्जांपल सेट करते हैं, वो आगे रहते हैं एंड देन हिज फॉलोअर्स आल्सो डू दैट एक्शन. कम्युनिकेशन स्किल. चूंकि लीडर को अपनी बातें कहनी होती हैं अपने सबॉर्डिनेट से और उनपे उन्हें राजी भी करना होता है, उन्हें फॉलो भी करना, तो लीडर के पास एक बहुत बेटर कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए. एट एवरी लेवल वो लोगों को कन्विंस कर सके, अपने कम्युनिकेशन स्किल से उनको प्रभावित कर सके और उनको जो है सो मोटिवेट कर सके. तो मोटिवेशन कर सके, उनको प्रभावित कर सके, उनको उस बात के लिए एग्री कर सके, इन सब के लिए एक बहुत बेटर कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए. और एक लीडरशिप की ये बहुत बड़ी क्वालिटी है और कि उसमें एक कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए. तो कम्युनिकेशन स्किल, एक्चुअली कम्युनिकेशन स्किल इज द प्राइम नीड ऑफ ए लीडर. मोटिवेशन स्किल. ए लीडर ऑल्सो विथ कम्युनिकेशन, ए लीडर हैज ऑल्सो द कैपेसिटी टू मोटिवेट एनी पीपल बाय हिज ओन कम्युनिकेशन एंड आर्ट एंड डायरेक्शन. तो किसी भी तरह से ए लीडर मस्ट हैव अ क्वालिटी ऑफ इन्फ्लुएंस और मोटिवेट अदर पर्सन. सेल्फ कॉन्फिडेंस. एक लीडर के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए बिकॉज उसे दूसरे लोगों में अपने सबॉर्डिनेट्स में कॉन्फिडेंस भरना है और इसके लिए पहले उसे खुद से खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा होना चाहिए. डिसिसिवनेस होना चाहिए, यानी उसमें बहुत सारे बातों पर को डिसिसिव तरीके से विचार करने और उस पर कार्य करने की योग्यता होनी चाहिए. एंड ऑल्सो सोशल स्किल, यानी एक लीडर को बहुत सामाजिक कौशल की भी जरूरत होती है. उसे समाज में अपने रिलेशन को एस्टैब्लिश करना, कामगारों के घर जाना, समय समय पे उनके छोटी मोटी खुशियों में और उनके दुख में सम्मिलित होना, दैट इज ऑल्सो क्वालिटी ऑफ लीडर. तो क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर, इट इज अ गुड क्वेश्चन विच मोस्ट इन वेरियस बोर्ड एग्जामिनेशन दैट क्वेश्चन विल बी केम दैट व्हाट शुड बी अ क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप. तो ये दो क्वेश्चन है इस यहाँ इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप और क्वालिटी ऑफ लीडरशिप. इसमें से एक क्वेश्चन छोटा मोटा 3 नंबर में जरूर आता है, हल्का क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लेंगे और इसमें दो दो लाइन, ठीक है, जैसे बोले कि फिजिकल फीचर्स होने चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तो नॉट मोर, ओनली 2 लाइन्स यू हैव टू बी डिस्क्राइब दीज पॉइंट्स एंड ऑल्सो नोट्स वर सेंड. नोट्स तो भेजा ही जा चुका है जिसमें इसको डिस्क्राइब किया गया है, ऐसे आप भी अपना बना सकते हैं या फिर उसी नोट्स से आप उसको याद कर सकते हैं. जरूरी है कि आप पॉइंट याद करें और इससे दो क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और चांसेस है कि 2 से 3 नंबर में छोटा क्वेश्चन में ये पूछता है तो आप इसकी तैयारी करेंगे. ओके.